आपको बॉबी देओल याद है? जी हाँ, सोल्जर और बिच्छू मूवी वाला बॉबी देओल। एक जमाने में कुछ अच्छी मूवीज देने के बाद गायब हो चुके बॉबी देओल ने फिर से एक बार एंट्री की है नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई शाहरुख खान के रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के नए मूवी क्लास ऑफ 83 में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्लास ऑफ 83 के कुछ पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स, वो भी बिना किसी स्पॉइलर के। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप डिसाइड करें कि ये मूवी आपका इम्पोर्टेंट टाइम डिजर्व करती है या नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। ये हुसैन जैदी के एक बुक द क्लास ऑफ 83 द पनिशर्स ऑफ मुंबई पुलिस के ऊपर बेस्ट है। कहानी शुरू होती है 80s के मुंबई शहर से, जब पूरे मुंबई पर अंडरवर्ल्ड का साया था। मुंबई पुलिस और अंडरवर्ल्ड के लोगों में आए दिन काफी हाथापाई भी होती थी। बॉबी देओल, जो महाराष्ट्र पुलिस के नए कैंडिडेट्स के ट्रेनिंग सेंटर के डीन होते हैं, वो मुंबई से अंडरवर्ल्ड का सफाया करने के लिए 5 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं। फिर वो कैंडिडेट्स क्या सच में इस मिशन में कामयाब होते हैं या नहीं, ये हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा। वैसे तो इस फिल्म में वही घिसी पिटी बॉलीवुड की स्टोरी दिखाई है, एक पॉलिटिशियन, उसका अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और शहर में बढ़ते क्राइम पर अंकुश लगाने वाली पुलिस पर पॉलिटिशियन का प्रेशर, ये सब कुछ हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा। लेकिन ये मूवी रेड चिली ने बनाया है तो इसलिए इसका प्रोडक्शन वैल्यू, मतलब कैमरा लोकेशन, काफी अच्छा है। 80s का एरा भी इन्होंने अच्छी तरीके से दिखाया है। लेकिन इस फिल्म का सबसे निगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा कि इसकी कास्टिंग, बॉबी देओल इस रोल में बिल्कुल फिट नहीं बैठते हैं और हाँ, उनकी एक्टिंग भी काफी एवरेज लगती है। अनूप सोनी, जो कि कमाल के एक्टर है, जिन्होंने मुंबई के एक बड़े पॉलिटिशियन पाटकर का रोल अदा किया है, लेकिन 80s के जमाने में या फिर आज भी मुंबई या महाराष्ट्र के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी मराठी में बात करते हैं। इसमें भी कुछ डायलॉग्स मराठी में हैं, लेकिन अनूप सोनी के मराठी के डायलॉग्स कुछ काम नहीं करते, वो डायलॉग्स कुछ पावरफुल नहीं लगते। अगर आपको याद होगा कि सैक्रेड गेम्स में गिरीश कुलकर्णी ने भोसले की व्यक्ति रेखा की थी, जो कि एक बड़े पॉलिटिशियन की थी, उस रोल को उन्होंने कितना यादगार बनाया था ये सबको पता है। इस मूवी में कोई सॉन्ग नहीं है, लेकिन इसका बैकग्राउंड स्कोर भी इतना अच्छा नहीं है। मूवी का स्क्रीन प्ले भी कुछ अच्छे से नहीं किया है, इस वजह से लगभग 1.5 घंटे जितनी ये मूवी अच्छी खासी लंबी और बोरिंग लगने लगती है। हम इस फिल्म का ऑनेस्ट रेटिंग देते हैं, स्टोरी लाइन के लिए 3 स्टार, एग्जीक्यूशन के लिए 3 स्टार, परफॉर्मेंसेस एंड कास्टिंग के लिए 2.5 स्टार, स्क्रीन प्ले एंड सिनेमेटोग्राफी के लिए 3 स्टार। अगर आपको वीकेंड पे कुछ सस्पेंस थ्रिलर देखने का मन है तो इससे अच्छे भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टॉप 10 हिंदी सस्पेंस थ्रिलर की लिंक हमने ऊपर दी है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।